नमस्ते एसडी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सूजी चॉकलेट केक, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनती है सूजी चॉकलेट केक। सूजी चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप सूजी, 4 से 5 टेबल स्पून चीनी, और एक बार इसे हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद देखिए ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है और बिल्कुल इसे हमें बारीक पीस लेना है। सूजी और चीनी के पाउडर में मिला लेना है 1/2 कप दही, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर और अब 1/2 कप दूध डाल देना है और इसे एक बार अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने केक के बैटर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अब इसे एक बाउल में निकाल लेना है। अब केक के बैटर को ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। अब जिसमें केक बनाना है उस बर्तन को हमें ऑयल लगा के चिकना कर लेना है। अब थोड़ा सा हम मैदा लेंगे और केक वाले बर्तन की डस्टिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा मैदा हमें इसे इस तरीके से निकाल लेना है। केक बेक करने के लिए अब हमारा टिन बिल्कुल तैयार है और अब हम कुकर को प्री हीट कर लेते हैं। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है और अब इसमें मैं 1 से 1.5 कप नमक डालूंगी। इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेना है और अब मैं इसमें रखूंगी एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी प्लेट या कटोरी का यूज कर सकते हैं। अब इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसे हीट होने देना है। 15 मिनट हो गए हैं और अब केक के बैटर को एक बार देख लेते हैं। एक बार बैटर को अच्छी तरीके से मिला लेना है। सूजी के फूलने से बैटर थोड़ा थिक हो गया है, गाढ़ी हो गई है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 4 चम्मच दूध। और कुछ बूंदे वनीला एसेंस का डाल देना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। और अब बैटर को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे बैटर में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं। अब केक के बैटर को बेक करने वाले बर्तन में डाल देना है। अब इसे थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि बैटर में एयर बबल ना रहे। अब कुकर प्री हीट हो चुका है, इसमें हम केक को बेक करने के लिए रखेंगे। तो कुकर बहुत गर्म है, इसे बहुत ही सावधानी से रखना है। अब कुकर का लीड लगा देना है, ध्यान रहे कि इसमें हम विसिल और वायर नहीं लगाएंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है। 25 मिनट हो गए हैं और कुकर का लीड हटा के एक बार केक को चेक कर लेते हैं। केक को चेक करने के लिए एक चाकू लेंगे और चाकू को केक के अंदर डालेंगे और इसे देखेंगे कि ये साफ निकल रही है कि नहीं। तो चाकू बिल्कुल साफ निकली है, यानी कि केक हमारा बेक हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे। जब केक थोड़ा ठंडा हो जाए तभी हम इसे निकालेंगे, अगर गर्म में निकाल लेंगे तो केक टूट सकता है। तो अब एक चाकू से हमें साइड साइड में स्क्रैच कर लेना है। अब केक को प्लेट में निकाल लेते हैं। केक बहुत ही आसानी से निकल गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है केक। और अब केक को डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है, क्रीम नहीं है या कोको पाउडर नहीं है, फिर भी आप इसे बहुत ही आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पानी गर्म करने के लिए रखा है और उसके ऊपर एक कटोरी रख दी है मैंने।
अब बाउल में डाल देना है 1 और आधी चम्मच बटर और थोड़े से टुकड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं डेरी मिल्क के, और आधी चम्मच मैं यहाँ डाल दूंगी चीनी, और इन सबको हमें मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब मेल्ट किया हुआ चॉकलेट केक के ऊपर अच्छी तरीके से फैला लेना है। और अब मैंने यहाँ पे यूज किया है कोकोनट डस्ट। और अब मैं डाल रही हूँ क्रश किया हुआ काजू, आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा बहुत ही यमी केक बन चुका है। अब इसे मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बना है। तो आप भी सूजी चॉकलेट केक को जरूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।